Assalamu alaikum. So, some of you have asked me कि भाई हमारे भाई बताइए कि केस रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, मेटा एनालिसिस कैसे करते हैं. तो आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट केस रिपोर्ट्स स्टेप बाय स्टेप. आई विल मेक सम वीडियोस ऑन अदर टॉपिक्स एज वेल. तो चलो केस रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं. पहली चीज़ ये है यार कि ज़्यादातर जो जर्नल्स हैं वो केस रिपोर्ट्स एक्सेप्ट ही नहीं करती. सो बिफोर यू इवन स्टार्ट राइटिंग केस रिपोर्ट, पहले ये देखो कि जो स्पेशलिटी में जिसमें भी आप लिखना चाह रहे हो उसमें क्या कोई ऐसा जर्नल है जो आपकी केस रिपोर्ट एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, बहुत मुश्किल होता है अगर आप खास तौर पे ज़्यादा सब स्पेशलाइज्ड जाते जाओ. जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में इट्स वेरी वेरी टफ एंड एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू फाइंड अ जर्नल दैट वुड एक्सेप्ट केस रिपोर्ट्स. टू द पॉइंट कि अब एक नई चीज़ आ गई है कि केस रिपोर्ट की जगह आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हो और बस 5-10 इमेजेस लगा देते हो और उनके डिस्क्रिप्शन दे देते हो. तो दैट हैज़ हैपन्ड अ लॉट. अगर आप मेरे नाम पे पबमेड पे सर्च करो तो मैंने रिसेंटली एक जर्नल ऑफ वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी JVIR में एक पेपर पब्लिश किया था IVC लैसरेशन का. दैट इज़ द सेम. मैंने पहले उन्हें भेजा था एक 3-4 पेजेस की पूरी केस रिपोर्ट लिख के एज अ ब्रीफ रिपोर्ट. उन्होंने कहा नो, वी कैन एक्सेप्ट इट. वी कैन एक्सेप्ट इट इन एक्सट्रीम IR और इमेजेस इन IR आई थिंक. तो फॉर इन दैट कैटेगरी इन इमेजेस इन IR, तो उन्होंने कहा भाई 4 से 5 इमेजेस लगाओ, उनकी डिस्क्रिप्शन दो और एक पैराग्राफ लिख के भेज दो. तो इसका मतलब जो काम मैंने किया था सारा वो ज़ाया चले गया, राइट? तो वो सारा आप कट कर देते हो, पब्लिश नहीं होता. तो पहली बात तो ये है कि लेट्स से आप जिस भी चीज़ में लिखना चाह रहे हो, लेट्स से अगर आप पल्मोनोलॉजी में लिख रहे हो तो फाइंड अ जर्नल दैट इज एक्सेप्टिंग केस रिपोर्ट्स इन पल्मोनोलॉजी. और जब आपने जर्नल ढूंढना है तो 2-3 चीज़ें. एक तो आपने देखना है कि वो डबल ब्लाइंडेड पीयर रिव्यूड है. इसका मतलब क्या है कि आपके जो पेपर हैं वो किसी रिव्यूअर के पास जा रहे हैं टू लुक एट इट एंड गिव योर फीड देयर फीडबैक, और आपको नहीं पता कि वो बंदा कौन है और उसे नहीं पता कि ये लिखा किसने. वो ज़्यादातर ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं काफ़ी. तो ये एक है. दूसरा इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि उस जर्नल की इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसकी रिसर्च की, उसे लोग कितना पढ़ते हैं. तो जितना हाई इम्पैक्ट फैक्टर होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है. उसके अलावा जब आपने ये डिसाइड कर लिया ना ये सारा कुछ, अच्छा चलो ये जर्नल है जो ये केस रिपोर्ट्स एक्सेप्ट कर रहा है, फिर आप ये देखो कि उस जर्नल में पिछली 5-10 जो केस रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं वो कैसे लिखी गई थी, उनका क्या फॉर्मेट था, उनमें क्या चीज़ थी. अक्सर ये होता है कि हर कोई न्यू एंड अपकमिंग चीज़ पे लिख रहा होता है. लेट्स से यू वुड थिंक कि भाई यू आर शोइंग अ केस ऑफ कोविड विद टिपिकल निमोनिया इन द लंग्स, और पता लगे सारी दुनिया ने 100 केस रिपोर्ट इस चीज़ पे पब्लिश की है ना स्पैन ऑफ पास्ट 2 मंथ्स. तो ये देखो कि उस स्पेसिफिकली जर्नल में जो केस रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं वो खास तौर पे पिछली 10-15 पढ़ो उनको, उनका फॉर्मेट देखो कि किस तरह लिखा हुआ है, क्या किया. देन यू गूगल और फाइंड द लिंक इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स, और उस जर्नल का नाम लिखो या उनकी वेबसाइट पे जाके इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स में जाओ. तो ये जब आप कर लोगे तो आपको उनकी वेबसाइट पे स्पेसिफिकली डायरेक्शंस मिलेंगी भाई कि आपने पेपर ऐसे लिखने हैं, इस फॉन्ट में होना चाहिए. ज़्यादातर कहते हैं जी डबल स्पेस्ड होना चाहिए, पहला पेज ब्लैंक होना चाहिए, उस पे ऑथर के नाम नहीं हो, या दूसरे पेज पे खाली टाइटल हो, ऑथर का नाम ना हो, आपका नाम जो फर्स्ट पेज पे हो. आप वो करोगे ग्राफ्स और इमेजेस एक सेपरेट पेज पे हों. कुछ कहेंगे नहीं वो अटैच्ड इन आउटवर्ड डॉक्यूमेंट में, उनको सेपरेटली अपलोड करो, कैप्शंस करो जो है वो अलग से जाए. तो वो बहुत ज़्यादा हर जर्नल का अपना तरीक़ेकार है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है. ऑनेस्टली पेपर लिखने में इतना टाइम नहीं ज़ाया होता जितना इस खानापूरी में लग जाता है. पेज नंबर आना चाहिए ऑटोमेटिकली, आपको वो देखना है कि भाई पेज नंबर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे कैसे ऐड करना है, डबल स्पेसिंग कैसे करनी है, जो फॉन्ट वो एक्सेप्ट करते हैं वो करना है. तो ये चीज़ें अगर आप शुरू से कर लो ना सही, या आप लिख लो जैसे लिखना है और एंड में कर लो. इशू ये होता है कि बहुत से जर्नल्स की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ के इतने आप वर्ड काउंट है, इतना पेज लिमिट सेट है.
तो अपनी तरफ से आप 4 सफ़ों की केस रिपोर्ट लिख दो, बाद में आपको पता लगे, जैसे मुझे पता बाद में, मैंने कहा नहीं 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 वी विल ओनली एक्सेप्ट इट एज इमेजेस एन आई आर, और आपके 4 से 5 सफ़ों की जो सारा लिखा हुआ पेपर था वो एंड में 5 लाइनों का रह जाता है, राइट? तो वो वॉज द पॉइंट ऑफ ऑल दैट. तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ये देखो कि क्या है और उसके मुताबिक लिखना शुरू करो. अच्छा, अब आता है कि जब आपने लिखना है ना, बिफोर यू डू एनी ऑफ दैट, और अगर आपका जेन्युइनली एक इंटरेस्ट है कि भाई आपने पेपर्स लिखने हैं, तो एक किताब है बहुत अच्छी, अमेजोन पे सस्ती मिलती है, मैं रहा हूँ 4-5 डॉलर की. इट्स नॉट अ ह्यूज बुक, इट्स कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो, जो यहाँ के सारे अमरीकी बच्चे पढ़ते हैं. हम लोग यार इंग्लिश अच्छी होगी, आप जहाँ मर्जी से पढ़े हो, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन इंग्लिश हमारी डिफरेंट है. हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटन इंग्लिश, उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ब्रिटन इंग्लिश भी है ना, वो ऑनेस्टली हमारी इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंट है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि एक आपके अमेरिकन एक्सप्रेशंस क्या हैं, छोटी छोटी पंक्चुएशन इन लोगों की थोड़ी सी हमसे डिफरेंट हैं, ये चीज़ें तो वो आपके लिए सीखना ज़रूरी है. क्योंकि जब भी एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब हम लिखते हैं ना पेपर्स और अगर उनकी इंग्लिश सही नहीं है तो वो बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाते हैं, और आपको फीडबैक में एक एडिटर या रिव्यूअर जो है वो थोड़ा ये फीडबैक देते हुए चाहता है कि आपकी इंग्लिश जो राइटिंग है वो नहीं सही, उसमें ग्रामर के मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन की. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप वो पढ़ लेते हैं ना, और ये वही किताब है जो अमेरिकन सारे पढ़ते हैं हाई स्कूल में, टू लर्न हाउ टू राइट इन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल. बाकी अब स्पेलिंग वगैरह जो कुछ ब्रिटन इंग्लिश के करो, अमेरिकन इंग्लिश के, नोबडी केयर्स, इट्स फाइन इधर वे, जस्ट बी कंसिस्टेंट, एक ही तरह का थ्रू आउट द पेपर में रखो. अच्छा, ये चीज़ हो गई. अब आते हैं यार कि केस रिपोर्ट आपको लिखनी कैसी चाहिए. देखो, ये मैंने बताया, इट्स वेरी वेरी वेरिएबल बेस्ड ऑन द जनरल. हो सकता है आपका जनरल जो जिधर आप कोशिश करें वो क्या भाई 2 लाइनें लिखें, हो सकता है वो क्या मुझे टेक्स्ट चाहिए ही नहीं, खाली इमेजेस चाहिए, तो वो आपके ऊपर है. वो नहीं मैं आपको बताऊंगा कौन सा जनरल में क्या करो, वो आपने रिसर्च करनी है. अगर आपका लिवर का है तो आप GI के जनरल्स देखो, हेपेटोलॉजी के जनरल्स देखो सारे. अमूमन जो अमेरिकन जनरल्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड नंबर 1, उनका इम्पैक्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, फिर यूरोपियन जनरल्स आते हैं, फिर दरमियान में बाकी जनरल्स फिट हो जाते हैं. अगर वो जनरल PubMed.gov पे लिस्टेड नहीं है ना, तो इट्स नॉट एन इंडेक्स्ड जनरल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो आप गूगल करो या आप PubMed.gov की वेबसाइट पे जाओ, तो वो जनरल शो अप होता है कि नहीं होता. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और कोशिश ये करो कि उन्हीं जर्नल्स में पब्लिश करो जो PubMed.gov पे शो करते हैं, इंडेक्स होते हैं, ठीक है? और अब आ जाती है जी कि जब आपने लिखना है, अगर लेट्स से टिपिकल केस रिपोर्ट, तो कैसे, सबसे इजी पार्ट होता है केस रिपोर्ट का, जो केस रिपोर्ट लिखनी है, राइट? तो अब केस रिपोर्ट आपको पता है सारी, आपने वो लिख दी है सारी, बिल्कुल जिस तरह आप वार्ड में अपने लिखते हो कि दिस पर्सन प्रेजेंटेड विद दिस, दिस इमेजिंग फाइंडिंग्स, दिस लैब फाइंडिंग्स, वी केम अप विद दिस, दिस इज़ हाउ वी ट्रीटेड, दिस इज़ हाउ इट एंडेड. तो फिर उसके बाद आप पहले केस रिपोर्ट लिखोगे, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रोडक्शन लिखोगे कि वाई इज़ दिस इवन इम्पॉर्टेंट, ठीक है? और उसके बाद आप उसका डिस्कशन और कंक्लूजन लिखोगे. तो ये एक टिपिकल केस रिपोर्ट का है. बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होती है अपने इमेजेस पे, टेबल्स पे, कैप्शंस पे, वो उन पे ज़्यादा टाइम लगाओ. तो आई थिंक दैट्स मेनली इट फॉर केस रिपोर्ट्स. देयर इज समथिंग एल्स, नहीं टिपिकली नॉट. एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, व्हेन आई वाज अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड, तो मुझे कुछ बहुत अच्छे सीनियर्स थे जिनसे आई रीच्ड आउट. उन्होंने गाइड किया था यार कि यू नो ट्राई टू बी रिव्यूअर्स ऑफ डिफरेंट टॉप मेडिकल जर्नल्स, और बहुत से जर्नल्स जो हैं स्टूडेंट रिव्यूअर अलाउ करते हैं. मैं स्टूडेंट BMJ का, लैंसेट का, एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, मैकगिल जर्नल ऑफ मेडिसिन, PLOS, इन सारे जर्नल्स का मैं फोर्थ ईयर में होते हुए स्टूडेंट रिव्यूअर बना. मैंने बड़े 10-10, 20-20 केस रिपोर्ट्स, पब्लिकेशंस उनके लिए रिव्यू करता था, हर महीने एक आ जाती थी. उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने मैच के लिए अप्लाई किया, तो मेरे CV में लिखा हुआ था भाई इस बंदे ने पिछले 5 साल में 100 केसेस रिव्यू किए हैं, और वो उनका रिव्यूअर है. और चूंकि आप रिव्यू कर रहे हो, आप दूसरों को फीडबैक दे रहे हो कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा, आपको समझ आ जाता है कि आपने अगर लिखना है तो कैसा लिखना है.
और दूसरा, जिस भी जर्नल के आप रिव्यूअर हो, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि ये चीज़ें हम देख रहे हैं, प्लीज़ देख के बताइए कि ये इस चीज़ें सही की हुई कि नहीं। मोस्टली आई विल से 70 to 80% ऑफ द टाइम वो एक ही जैसी चीज़ें होती हैं सबकी, बाकी जो 20-30% होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चलो, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो प्लीज पोस्ट इट इन द कॉमेंट्स। इफ यू थिंक दिस वीडियो हेल्प यू, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। नेवर गिव अप, नेवर लूज होप। बाय।